हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंधी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आज हम लोग जो टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो है जीएसटी की जर्नल एंट्रीज। ये जीएसटी की जर्नल एंट्रीज अभी क्लास 11 में नई नई आई है, सब बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या वेस्ट बंगाल बोर्ड हो। तो आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी का जर्नल एंट्रीज। और मैं ये भी बता दूं कि जो जर्नल एंट्रीज है ये सिर्फ क्लास 11 के लिए नहीं, 11, 12, इनफैक्ट बीकॉम के ऑल लेवल्स के लिए जर्नल एंट्रीज काम आने वाली है। क्योंकि बीकॉम में जीएसटी का अगर आपको सीखना है तो सबसे पहला बात है ये बेस है जीएसटी की जर्नल एंट्रीज। तो मैंने बोर्ड पे चार एंट्रीज लिखी है। पहली एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम 1 लाख, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%। सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर रुपीज 1,20,000, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। परचेज मशीनरी फ्रॉम रैम 2 लाख, आईजीएसटी 18%। एंड फाइनली सोल्ड मशीनरी एंड रिसीव्ड चेक रुपीज 1,50,000, आईजीएसटी 5%। देखो ये जर्नल एंट्रीज के पहले मैं तुम लोगों को 2 मिनट का छोटा सा ब्रीफ कंसेप्ट दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे जीएसटी के 3 वर्ड यूज किए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होता क्या है। देखो जब गुड्स विद इन द स्टेट, अगर आप एक ही स्टेट के अंदर आप अगर अपना गुड्स बेच रहे हो, यानी मैं मोहित कोलकाता का रहने वाला हूँ और अगर मैं किसी श्याम या राम को गुड्स बेच रहा हूँ और वो भी सेम स्टेट में है यानी वेस्ट बंगाल के अंदर ही है, तो जो टैक्स लगने वाला है वो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा। इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट। यानी व्हेन गुड्स आर सोल्ड विद इन द सेम स्टेट, अगर आप बर्धमान से हावड़ा भेजोगे या फिर नॉर्थ 24 बर्धना से कोलकाता में भेजोगे, तो जो टैक्स लगने वाला है दैट इज कॉल्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और उनकी जो रेट्स होती है वो सेम होती है। अगर सीजीएसटी 2.5% होगा तो एसजीएसटी भी 2.5% होगा, अगर एसजीएसटी 5% होगा तो सीजीएसटी भी 5% ही होगा। बट अगर मैं गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स वेस्ट बंगाल से सेल कर रहा हूं मुंबई में, तो जो टैक्स लगेगा दैट विल बी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो आईजीएसटी है ना, इसका भी रेवेन्यू पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। तो अगर आप गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हो तो पूरा का पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर आप विद इन द स्टेट करते हो सेल, तो कुछ रेवेन्यू सेंट्रल के पास जाएगा और कुछ रेवेन्यू स्टेट के पास जाएगा। तो ये है कंसेप्ट कि कब सीजीएसटी लगेगा, क्या एसजीएसटी लगेगा। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे बोला है ना कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 1 लाख रुपया, तो और लगा है सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसका मतलब है अगर मैंने परचेज किया है तो विद इन द सेम स्टेट है, तभी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने राम से जो मशीन परचेज की उसमें आईजीएसटी लगा 18%, इसका मतलब कि राम ने जो मेरे को मशीन बेची है, राम कोई और स्टेट में रहता है और मैं कोई और स्टेट में रहता हूँ, तभी इसमें जो टैक्स लग रहा है वो होता है आईजीएसटी। क्लियर हो गया? तो आप लोग फटाफट इन एंट्रीज को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इनकी जर्नल एंट्री सीखेंगे। चलो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एंट्री। देखो हम लोग की जो सबसे पहले वाली एंट्री थी वो थी परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम रुपीज 1 लाख, तो श्याम से परचेज किया था 1 लाख रुपया का गुड्स। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट, मैंने जब परचेज किया तो परचेज मेरे लिए खर्चा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 1 लाख से। और एक चीज बताऊ ना, अगर मैंने परचेज किया तो श्याम जो है टैक्स भी तो मेरे से लेगा, तो टैक्स भी तो मेरा ही खर्चा है और वो खर्चा वो मेरे से ले लेगा टैक्स, और जमा कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को श्याम का है, तो वो मेरे से ले लेगा और जमा श्याम कराएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज भी खर्चा और टैक्स भी खर्चा, तो मैं क्या करूंगा सीजीएसटी भी डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। मैंने रेट लिखे 2.5%, तो 1 लाख का 2.5% इट कम्स टू 2,500, और एसजीएसटी भी मेरा खर्चा है 2,500। तो अल्टीमेटली मैं श्याम को कितना पे करूंगा,
1 लाख तो गुड्स के लिए और टैक्स के लिए 2500 2500, तो मैं शाम को पे कर दूंगा 1,05,000, ये शाम मेरा क्रेडिटर है, क्लियर हो गया। और एक चीज ध्यान रखना, ऑलरेडी मैंने इतना पे करना है या कर दिया, ये मेरा खर्चा है, और शाम को अल्टीमेटली मेरे को कितना देना पड़ेगा, 1,05,000। तो आप जब भी परचेज के टाइम जो टैक्स देते हो उसको बोला जाता है इनपुट टैक्स। क्या बोला जाता है? इनपुट टैक्स। दिस वॉज द एंट्री ऑफ परचेज। नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड एंट्री, दैट इज सोल्ड गुड्स। हमने गुड्स सेल किया है, सोल्ड गुड्स टू मुकेश वर्थ ₹1,20,000। तो एक चीज बताओ ना, मेरी जो सेकेंड वाली एंट्री हो जाएगी दैट विल बी मुकेश अकाउंट डेबिट। इस बार मैंने मुकेश को बेचा है तो मैं उससे टैक्स कलेक्ट करूंगा और वो टैक्स कलेक्ट करके मैं गवर्नमेंट को दूंगा, तो वो मेरे लिए इनपुट टैक्स नहीं आउटपुट टैक्स है और मेरे लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू सीजीएसटी, सीजीएसटी अकाउंट, टू एसजीएसटी अकाउंट, और टू मैंने सेल किया था मुकेश को, तो टू सेल्स। अब देखो सेल्स का वैल्यू था 1,20,000। इस 1,20,000 में मैं मुकेश से चार्ज करूंगा सीजीएसटी और इसी में चार्ज करूंगा आईजीएसटी। रेट था 9%, तो डेट कम्स टू 10,800 एसजीएसटी एंड 10,800 सीजीएसटी। तो मैंने मुकेश को सामान बेचा 1,20,000 का और दोनों टैक्स ले लूंगा, तो इन अदर वर्ड्स मैं मुकेश से टोटल कितना चार्ज करूंगा, एक तो सेल वाला तो लूंगा ही प्लस ये दोनों भी लूंगा, इट कम्स टू 1,41,600। ये टैक्स मेरे को चुकाना है सरकार को क्योंकि मैंने मुकेश से ले लिया है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी सरकार को दे दिया, मैंने शाम को दे दिया, शाम सरकार को देगा, शाम विल पे टू गवर्नमेंट। तो इसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। क्या बोला जाता है? आउटपुट टैक्स। तो अगर आप कुछ परचेस करते हो दैट इज इनपुट टैक्स और ये आपका बर्डन है, ये आपको चुकाना है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स। नाउ मूविंग टू आवर थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री था कि मशीन परचेस किया, एक कैपिटल एसेट है मशीन, तो जब एसेट परचेस करते हो तो मशीन अकाउंट में डेबिट करते हो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। आपने मशीनरी खरीदी थी 2 लाख की और जिसमें आईजीएसटी भी लगा है, कोई सीजीएसटी वीजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी मतलब आपने बाहर से खरीदी है, सीधा फ्लैट 18%, 2 लाख का 18% दैट कम्स टू 36,000। एंड फाइनली टू, आपने जो मशीन खरीदी है वो आपने खरीदी है चेक से, आपने जो मशीन खरीदी थी वो खरीदी चेक से, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 36,000। और अगर आपने मशीनरी चेक से खरीदी है तो आपका पेमेंट भी चला जाएगा टू बैंक, डेट विल बी 2,36,000। तो मशीन 2 लाख और ये 36,000 का आपने आईजीएसटी चुकानी है और आपका पैसा टोटल कितना जाएगा 2,36,000। अगर ये क्रेडिट होता तो क्रेडिट में किसी का नाम आ जाता। तो एक बार आपकी तीनों एंट्री फटाफट गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं लास्ट एंट्री में आता हूं। नाउ मूविंग टू अवर लास्ट एंट्री, मैंने यही अज्यूम किया एक बार कि मैंने मशीन भी जो खरीदा है चेक में खरीदा है। और नाउ फोर्थ एंट्री, मशीनरी का सेल होना, तो जब मैं सेल करूंगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 में मैंने सेल किया है, लेकिन ऑब्वियस सा बात है जिसको मैंने बेचा है तो मशीनरी तो मेरा क्रेडिट हो जाएगा और इस बार मेरे को आईजीएसटी चुकाना पड़ेगा। तो सेल के टाइम हमेशा टैक्स क्रेडिट होता है, परचेस के टाइम टैक्स हमेशा डेबिट होता है। टू क्या चला गया? मेरा मशीन चला गया, टू मशीनरी। मेरा मशीन की जो वैल्यू थी डेट वॉज 1,50,000 और जिसमें मेरा आईजीएसटी का रेट था 5%, तो डेट कम्स टू 7,500 एंड इन टोटल 1,57,500। अब देखिए ना, जो मैंने रजिस्ट्रेशन लिखा है अगर इसको पार्टी का नाम किया था, अब अज्यूम कर लेना कि मैं जो सेटलमेंट कर रहा हूं ये मशीन भी मैंने चेक से खरीदा है और जो सेल भी है वो भी चेक से ही हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी तक चार एंट्री में हम लोग देख रहे हैं, दो यहां पे भी इनपुट टैक्स है, यहां पे आउटपुट टैक्स है, ये वाला वापस इनपुट टैक्स और ये वाला आउटपुट टैक्स है। तो
अब मेन जो एंट्री है ध्यान से सुनिए आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। चारों एंट्री पास करने के बाद आपको एक फाइनल एंट्री और पास करनी पड़ेगी, दैट इज सेटलमेंट एंट्री। देखो मेरे को सरकार से सीजीएसटी लेना था 2500, लेकिन चुकाना भी तो है कितना, 10,800, तो मैं क्या करूंगा फाइनल में सेटल कर दूंगा। वैसे आईजीएसटी 36,000 डेबिट होके रखा है और क्रेडिट मेरे को चुकाना कितना 7,500, तो हम लोग एक सेटलमेंट एंट्री पास करते हैं। वो सेटलमेंट एंट्री क्या होता है, देखो आपने सीजीएसटी जहां जहां डेबिट किया है उसको आप कर दो क्रेडिट, तो मैं कर देता हूं सीजीएसटी डेबिट 2500 है, तो सेटलमेंट एंट्री में हो जाएगा 2 CGST 2500, एचजीएसटी डेबिट है 2500 से 2 SGST 2500 क्रेडिट हो गया, यहां पे दोनों क्रेडिट है तो सेटलमेंट में दोनों डेबिट हो जाएगा, खत्म कर दूंगा। सीजीएसटी डेबिट 10,800, एसजीएसटी डेबिट 10,800, आईजीएसटी यहां पे डेबिट है मैं क्रेडिट कर दूंगा 2 IGST 36,000, ये आईजीएसटी क्रेडिट है इसको डेबिट कर दूंगा आईजीएसटी डेबिट 7,500। और अब जो मेरा बैलेंस बच जाएगा वो या तो टू बैंक हो जाएगा या बाई बैंक हो जाएगा। अगर टू बैंक होगा तो मतलब मेरे को गवर्नमेंट को पे करना है, और अगर बैंक डेबिट आ रहा है मतलब मेरे को इतना पैसा गवर्नमेंट से मिलना है। आप चाहते हो तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ना आप इनको इनपुट भी बोल सकते हो, अगर आप इनपुट सीजीएसटी और यहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो आउटपुट, सेल के टाइम आप आउटपुट यूज कर सकते हो और परचेस के टाइम में यू कैन यूज इनपुट। जब जब हम परचेस करते हैं वो इनपुट होता है, जब जब सेल करते हो तो वो आउटपुट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, और यहां पे भी जब जब सेल करते हो एक मिस्टेक हो गई यहां पे तो आउटपुट, तो जब जब परचेस करते हो इनपुट सेल करते हो आउटपुट, यहां पे इनपुट यहां पे आउटपुट। तो नाउ लेट्स कैलकुलेट कि फाइनल क्या आ रहा है मेरा एडजस्टमेंट एंट्री, क्या मेरे को गवर्नमेंट से लेना है या गवर्नमेंट से देना है, लेट्स चेक इट आउट। आप तो खुद से कीजिए, चलो तो जो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो डेबिट में आ रहा है, यानी मेरे को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा 11,900 से। तो इन दिस वे जीएसटी की बहुत ही बेसिक जनरल एंट्रीज है। अगर आप लोग की कोई और क्वेरीज हो तो अब यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा और मैं साइड में भी लिख देता हूँ 7980884299, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर। For any further queries, I am always there. I hope you have liked my video. Thanks, like, share and subscribe my channel.